गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक तरह के नॉवेल के बारे में बतलाने जा रही हूँ जिसका नाम है पिकारेस्क नॉवेल। इससे पहले कि मैं इस नॉवेल के बारे में बतलाऊं, इट्स बेटर टू नो दैट ये वर्ड आखिर इन्वेंट कहाँ से हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो एक्चुअली एक वर्ड है पिकारो, स्पैनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है रोग कह सकते हैं, रास्कल कह सकते हैं, वेगाबॉन्ड कह सकते हैं। मीन्स एक ऐसा आदमी, एक ऐसा मैन और अ वुमन जो कि अडॉप्ट करता है डिसऑनेस्ट मीन्स, जो गलत रास्ते को अडॉप्ट करता है अपने मीन्स को फुलफिल करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। एज वेल एज ही और शी इज अ वॉन्डरर, वो घूम घूम के ऐसा करता है, वो एक जगह नहीं रहता, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इज अ ट्रैवलर, ही इज अ वॉन्डरर, ही और शी। सो द वर्ड पिकारेस्क इज डिराइव फ्रॉम द स्पैनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स अ रोग। रोग मीन्स अ वेगाबॉन्ड, अ रास्कल, यू कैन से अ ट्रैम्प। इस सेंस से पिकारो वर्ड जो है इस सेंस से यूज शुरू हुआ था इन द ईयर 1545। लेकिन जो वर्ड है पिकारेस्क नॉवेल, इट वॉज क्वाइंड इन द ईयर 1810, 1810 में ये जो टर्म है पिकारेस्क नॉवेल, एक तरह का नॉवेल, इस वर्ड का, इस टर्म का आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था 1810 में। सो जैसा कि मैंने अभी तक बताया, पिकारेस्क नॉवेल प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ द एडवेंचर्स of some man or woman who keep on moving from place to place. तो एक picaresque novel हम ऐसे novel को कहते हैं जो किसी आदमी या किसी महिला का के adventures को, means he's a traveler, वो एक wanderer है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है और फिर वो अपने life के, अपने जो भी जरूरत है उसको पूरा करता है। वो dishonest means से हो सकता है, वो कुछ plannings के through हो सकता है, intrigues के through हो सकता है। तो उसके लाइफ के जो एडवेंचर्स हैं, जो रोमांच है उसके लाइफ का, उसको वो नॉवेल बहुत अच्छे से पिक्चराइज करता है, पोर्ट्रे करता है। अब चूंकि वो नॉवेल है, वो उसके उस मैन या वुमन के पूरे लाइफ के डिफरेंट एपिसोड्स को कवर करता है, क्योंकि उसकी उसकी पूरी लाइफ एक जर्नी है। तो एक जगह उसका लाइफ कैसा था वो एक एपिसोड, सेकेंड प्लेस में उसका लाइफ कैसा था वो एक दूसरा एपिसोड। तो उसकी वो नॉवेल जो है वो एक्चुअली एक पूरा कंप्लीट एक प्लॉट नहीं है, वो एक कंप्लीट सीरीज नहीं है, वो एपिसोडिक होता है। वो एक एपिसोड, देन द पर्सन मूव्स टू द अदर प्लेस, फिर वहां का एक एपिसोड, इस तरह से होता है। सिंस द नॉवेल रिकॉर्ड्स द डिफरेंट एपिसोड्स इन हिज और हर जर्नी, द प्लॉट रिमेन्स लूज एंड एपिसोडिक। जो प्लॉट होता है वो बहुत लूज होता है, वो कोई एक फिक्स्ड प्लॉट, एक सीरियल टाइप नहीं होता। इट्स द प्लॉट इज क्वाइट लूज एंड एपिसोडिक, मीन्स कैरेक्टर्स बहुत सारे न्यू, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है या जाती है, तो उसके लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं। वो जो एक क्या कहें आपको, उसके लाइफ कैसी है, वो लाइफ में उसके चेंजेस आते हैं। बट वन थिंग इन मोस्ट ऑफ द पिकारेस्क नॉवेल्स, एक चीज जो कभी चेंज नहीं करती वो है वो मैन या वुमेन का जो रियल सेल्फ है। वो कितना भी नए लोगों से मिलता है, नए काम करता है, बहुत सारी शादियां भी किसी किसी नॉवेल में करता है, लेकिन उसका जो एक डिसऑनेस्टी है भीतर में, उसके अंदर जो एक प्लानिंग से एक छल है, दैट डजंट चेंज। हिज डिसऑनेस्ट वेज, हिज वेगाबॉन्डनेस, हिज rascalness, that doesn't change. He always remains that sort of a person, whether man or woman. और usually picaresque novels जो होते हैं वो first person narrative होते हैं, first person narration में लिखे जाते हैं। बहुत सारे examples जैसे Tom Jones by Henry Fielding, Robinson Crusoe by Daniel Defoe, Don Quixote by Cervantes. Cervantes जो है वो एक Spanish writer है, इसलिए मैंने ये mention किया क्योंकि picaresque जो word है वो भी Spanish word से ही बना है। Cervantes is also a Spanish writer. Moll Flanders by Daniel Defoe. तो एक example के through मैं आपको और explain करती हूँ जो ये novel है Moll Flanders by Daniel Defoe. इस novel में जो Daniel Defoe, उन्होंने एक लड़की का नाम रखा है Moll Flanders. तो वो भी जो उसका real name नहीं है, वो चूंकि एक चोर रहती है तो अपनी identity को बदले रहने के लिए वो अपना नाम रखती है Moll Flanders. तो वो एक्चुअली उसकी माँ उसको बहुत छोटे में ही छोड़ के कहीं चली जाती है, फिर वो एक जिप्सी से भागती है, फिर उसको एक नर्स पालती है। सो देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। उसके बाद फिर उसकी शादी होती है, फिर वो उस शादी से टूट के फिर कहीं और जाती है। मीन्स अराउंड उस पूरे नॉवेल में मोर देन आई थिंक 6-7 से भी बहुत ज्यादा शादियां वो करती है, बहुत सारे उसके बच्चे होते हैं। एंड बट द फैक्ट इज कि वो जो लड़की है Moll Flanders जो है, जो लड़की है वो उसी तरह की डिसऑनेस्ट लड़की रहती है। वो बस उसको अपने से मतलब है, शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। और एक्चुअली जो सिचुएशंस होते हैं
वो भी उसको वैसा बदल वैसा ही रहने में मजबूर करते हैं. मीन्स एक्चुअली क्या है कि एक पिकारेस्क नॉवेल में जो इवेंट्स है वो चेंज करेंगे, जो प्लेसेस है वो चेंज करेंगे, जो अदर कैरेक्टर्स है वो चेंज करेंगे, लेकिन जो उसका मेन कैरेक्टर है, जो कि एक जो भी मैन या वुमन जो कि डिसऑनेस्ट है, जो कि एक बुरा आदमी, एक सॉर्ट ऑफ रास्कल है, वो उसका जो रियल सेल्फ है, जो उसके अंदर बुराई है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में चेंज नहीं करती है. पिकारेस्क नॉवेल जो है वो यूजुअली जो उसमें मेन कैरेक्टर जो उसका जो उसके मेनली मतलब आप कह सकते हो प्रोटागोनिस्ट होता है, वेदर हीरो और हीरोइन जो भी है, तो वो यूजुअली बिलोंग करता है एक लोअर क्लास से. मतलब उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसका जो क्लास है वो एक सोशल क्लास जो है वो काफी लो रहता है, वो गरीब फैमिली को बिलोंग करता है. एंड देन वो जब अपने सपनों को ही एज अ ड्रीमर, वो एक ड्रीमर होता है, और जब वो अपने सपनों को पाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको मजबूरन द सर्कमस्टेंसेस फोर्सेस हिम और हर टू टेक अनफेयर मींस. सो गाइज दिस वॉज द नॉवेल, द टाइप ऑफ नॉवेल पिकारेस्क. आई होप आपको ये नॉवेल होता कि आपको अच्छे से समझ आया हो. देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस अगर उनको भी पढ़ना है तो वो भी इस नॉवेल के बारे में समझ सके. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है. मेरा ईमेल एड्रेस तो आप जानते हैं, swanshika28@gmail.com. यू मे इवन मेल मी. सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज. थैंक यू.